हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। टुडे वी हैव क्वाड्रिलेटरल लेक्चर नंबर 4। सो मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, एनी लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इन ए ट्राइंगल इफ वी जॉइन ए लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स, तो ये लाइन क्या होगी, ये अपने को प्रूफ करना है। गिवन क्या है, अपने को गिवन है P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है। टू प्रूव अपने को ये करना है, PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू BC by 2, है ना। दीज टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव। सो हाउ टू प्रूव दिस, what we are doing is we are doing a construction. Construction क्या कर रहे हैं, construction is such that PQ is equal to QR. PQ को extend किया है, PQ को extend किया है इस तरीके से कि PQ is equal to QR. तो अपना construction क्या है, PQ is extended such that PQ is equal to QR. ठीक है, ये अपन ने एक्सटेंशन कर दिया और जो भी पॉइंट R मिला, अब उस R को ज्वाइन कर दिया नीचे। ठीक है, इस R को ज्वाइन कर दिया अपन ने नीचे। ये आर को ज्वाइन कर दिया नीचे, ये सी आर है। तो यहाँ पे अपन ने ये इनिशियली एज्यूम किया है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, समझना बात को। अब अपने को प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। कैसे प्रूफ करते हैं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट अपन बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ट्राइंगल पी क्यू ए उठाया अपन ने एंड ट्राइंगल सी क्यू आर उठाया, ये दोनों ट्राइंगल उठाए। इन दोनों ट्राइंगल को अपन कंक्यूरेंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये लेंथ तो इसके इक्वल दी हुई है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक बात, और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है। तो जब ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब एंगल इक्वल हो गया और दो साइड जो इसको कंटेन कर रहा है वो दोनों साइड भी इक्वल है, इसका मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर कंक्यूरेंट। तो अपन ने क्या बोला, इसमें क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्यू आर, पहली बात, एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी एंड एंगल क्यू इज कॉमन। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से फर्स्ट स्टेटमेंट कि ट्राइंगल पी क्यू ए इज कंक्यूरेंट विद पी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, देखो अपने पास पी क्यू, तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है आर क्यू सी। ठीक है बात, है ना, क्यू सी यहाँ पे क्यू ए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू सी, तो पी क्यू ए इज कॉन्ग्रेंट विद आर क्यू सी, लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू लेंथ, पी ए इज इक्वल टू वॉट आर सी, मतलब लेंथ पी ए इज इक्वल टू आर सी का मतलब हो गया, अपन ने प्रूफ कर दिया लेंथ पी ए इज इक्वल टू आर सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आर सी। ठीक, ये दोनों लेंथ अपन ने इक्वल प्रूफ कर दी।
यूजिंग दिस। अब पी ए और पी बी इक्वल है बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है अपने को, पी ए इक्वल टू पी बी ये गिवन है अपने को, ठीक। तो यहां से अपन बोल सकते हैं पी बी इक्वल टू आर सी, सही बात, पी बी इक्वल टू आर सी, ये लेंथ वाइज दोनों ये भी इक्वल है। अब एक बात अपन और बोल रहे हैं, यहां से यहां पे जो एंगल ए है वो क्या ये एंगल के इक्वल है क्या, बोलो ये एंगल इक्वल कैसे है, यहां से देखो पैरेलल से नहीं, इस कॉन्ग्रुएंसी से अपन बोल सकते हैं कि वो एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी, इस ट्राइंगल का एंगल सी और इस ट्राइंगल का एंगल ए दोनों क्या है इक्वल है। फ्रॉम हियर वी कैन से सिंस अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे, अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे इस बात का मतलब क्या है, वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए पैरेलल, उल्टा बोल रहे हैं अपन, अल्टरनेट एंगल इक्वल है देन द लाइंस विल बी पैरेलल, दिस इंप्लाइज लाइन पी ए और अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी और लाइन पी बी, ये तीनों ही बात बोल सकते हैं, एक ही लाइन है वो, ये एक ही लाइन है ना, पी ए लाइन बोलो चाहे अपन पी बी लाइन बोले चाहे ए बी लाइन बोले, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू आर सी, ये लाइन आर सी के पैरेलल है, ठीक। ये अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट टू, ये स्टेटमेंट थ्री। अब स्टेटमेंट टू और थ्री को एक साथ देखते हैं अपन कि ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और ये दोनों पी बी इज इक्वल टू आर सी भी है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी बी सी आर, ये क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम, यही प्रॉपर्टी होती है ना, टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों चीजें हैं मान लो, इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे अपन देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम, तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसको, पी बी सी आर, हेंस पी बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम यदि हो गया तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि बी सी विल बी पैरेलल टू पी आर, तो फर्स्ट अपना ये प्रूफ हो गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो अपन ने बोल दिया ना बी सी इज पैरेलल टू पी आर, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू पी आर, और पी आर बोलो चाहे अपन इसको बोलते हैं पी क्यू, एक ही बात है। तो फर्स्ट हो गया प्रूफ अपना, फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ। अब अपन आते हैं सेकंड रिजल्ट पे, अपन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो माना है अपन ने, तो अपन बोल सकते हैं कि पाई बी सी इज इक्वल टू पी आर होगा, बी सी इज इक्वल टू पी आर होगा, और पी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी आर को लिख सकते हैं टू टाइम्स पी क्यू। तो यहां से अपन ने क्या बोल दिया पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई टू, ठीक है, टू इधर नीचे आ गया, हैंस प्रूव। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। थ्योरम क्या, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन बनाई गई, थ्योरम क्या, अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यदि कोई लाइन बनाई, इफ दिस पी, दिस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, देन दिस लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी, दिस लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा एंड साथ साथ में पी क्यू विल बी हाफ ऑफ बी सी, ये अपन बात बच्चों बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका कन्वर्स, कन्वर्स स्टेटमेंट में अपन क्या बोल रहे हैं, एनी लाइन पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू
थर्ड साइड एनी लाइन पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, है ना, एक साइड के मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए और जो दूसरी साइड बची थर्ड साइड के यदि पैरेलल है देन दिस लाइन मस्ट कट द अदर साइड एट मिड पॉइंट. व्हाट वी आर सेइंग, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, एनी लाइन विच पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, इसके पैरेलल दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना, गिवन क्या आपने को, इस बार गिवन है अपने को कि पी क्यू जो है वो है पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड साथ ही साथ पी इज मिड पॉइंट. और अपने को प्रूफ क्या करना है, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट. इससे पहले अपने को क्या दिया हुआ था, P और Q दोनों मिड पॉइंट गिवन थे, तो अपने को प्रूफ करना था पैरेलल. अब अपने को क्या दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है एंड PE इज ए मिड पॉइंट, तो अपने को Q भी मिड पॉइंट होगा, ये प्रूफ करना है. तो करते हैं अपन. तो देखो यहां पे भी सिमिलर सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अपने को पैरेलल दिया हुआ है, तो C से एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल है BP के. कंस्ट्रक्शन क्या है, यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले. कंस्ट्रक्शन हो गया, ए लाइन CR इज ड्रॉन, या ए लाइन थ्रू सी इज ड्रॉन which meets PQ line in R, ठीक है, इस PQ line को R पे meet करती है, ठीक है, okay. अपन ने क्या माना है इस केस में, कि एक लाइन CR है जो कि इसके पैरेलल है, ये मान लिया, इतना तो मान सकते हैं. अब अपन को चीजें प्रूफ करनी है. अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपन क्या क्या बोल सकते हैं, देखो पहली बात, ये एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक. दूसरी बात, सिंस ये दोनों लाइन तो अपने को पैरेलल दी हुई है और ये लाइन भी पैरेलल दी हुई है, तो अपन एक बात ये बोल सकते हैं कि पी बी सी आर पैरेललग्राम होगा ही, बिकॉज वी हैव ड्रॉन सी आर लाइन पैरेलल टू बीपी. तो जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, इस कंस्ट्रक्शन का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, बी सी आर पी विल बी पैरेललोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये होगा. अब कंस्ट्रक्शन से अपन ने ये बात बोल दी कि ये दोनों, ये एक पैरेललग्राम होगा, पैरेललग्राम होगा तो मतलब PB इक्वल टू CR हो गया, PB इक्वल टू CR हो गया पहला रिजल्ट, एंड PR इज इक्वल टू BC दूसरा रिजल्ट, PR इज इक्वल टू BC, PR इज इक्वल टू BC दूसरा रिजल्ट, ठीक है. ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होगी, गिवन है ना ये बात, तो PB इज इक्वल टू PA, गिवन है ये बात, ये दोनों इक्वल है दिया हुआ है और ये इसके इक्वल है, ये अपन ने पैरेललग्राम से बोल दिया, ठीक है, सही है बात. तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल अपन ने उठाया है, इस ट्राइंगल की अपन यदि बात करें, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की यदि अपन बात करें, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल आर क्यू सी,
इन दोनों अपन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों ट्राइंगल में एक तो क्यू पॉइंट, क्यू जो एंगल है वो कॉमन है, एक साइड की लेंथ भी कॉमन है, और अपन क्या बोल सकते हैं, सिंस ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, बोलो। लाइंस पैरेलल अपन को पता है कि नहीं, क्योंकि पैरेललग्राम अपन मान चुके हैं इसको पैरेललग्राम है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बच्चों, और ये जो एंगल है वो अपने आप तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा, और पैरेललग्राम से भी ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है, देखो ये साइड इसमें इक्वल ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से अपन ने बोला कि ट्राइंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ, क्यू दोनों में कॉमन है तो बीच में क्यू आने वाला है, सही बात। अब क्यू से पी की तरफ जाएंगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट इसका P है, तो P से Q की तरफ गए तो यहाँ पे डबल एंगल जो इक्वल है वो R वाला है, तो P के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, R, तो यहाँ आना चाहिए क्या, R, तो अपने आप यहाँ क्या बच गया, C, A के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, C। अब यहाँ से अपन क्या क्या बात बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं PQ इज इक्वल टू QR बोल सकते हैं क्या यहाँ से, ठीक है, CPCT PQ is equal to RQ using CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है, PQ is equal to RQ हो गया, मतलब ये दोनों लेंथ सेम है, ये प्रूफ कर चुके हैं, इसका मतलब अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है, अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई, Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर ये प्रूफ कर चुके हैं, ओके, पैरेलल दिया हुआ है, और अपन यहां से ये बात भी लिख सकते हैं ना, देखो QA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QC लिख सकते हैं, बोलो QA इज इक्वल टू QC, अगेन यूजिंग CPCT ये बात भी लिख सकते हैं, और QA इज इक्वल टू QC अपन को प्रूफ करना है, हैंस वी कैन से Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, क्लियर है पॉइंट, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, अभी इस पे बेस्ड, इन रूल्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व दीज थ्री प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो शुरू करते हैं अपन, एक बार पोज करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखो, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो अपने को रोम्बस दिया हुआ है, राइट, इस टाइप से कुछ मान लो ये रोम्बस है, ठीक, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो अपन को प्रूफ करना है कि वो हमेशा एक रेक्टेंगल होगा, राइट, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो अपन शुरू करते हैं, अब ये मिड पॉइंट्स हैं ये अपने को पता है, ठीक है, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके क्या है, डायगोनल बनाते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं अपन पी क्यू आर एस, आर एस के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, आर एस विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी,
ठीक बात सही है। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये ट्राइंगल की यदि बात करें तो ये ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल DAC की यदि बात करें, उस ट्राइंगल में S और R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, तो वो थर्ड साइड्स के क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, सही है बात, उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। अब पैरेलल और हाफ दोनों, यहाँ से अपने पास फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली अपन नीचे वाले ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में मैं बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू लेंथ है, जो पी क्यू लेंथ है वो होगी हाफ ऑफ ए सी। तो पी क्यू, पहले बात, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी यूजिंग गिवन थ्योरम, ठीक है। ये दोनों की स्टोरी समझ में आ रही है अपने को, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ये बात अपन प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं पी एस के बारे में क्या बोल सकते हैं, पी एस विल बी वॉट, सिमिलरली पी एस विल बी पैरेलल टू वॉट, डी बी एंड हाफ ऑफ डी बी। अब इन दोनों स्टेटमेंट को यदि एक साथ देखें अपन, अब मैं ये जानता हूं कि रोमबस के अंदर DB इज परपेंडिकुलर टू AC, DB इज परपेंडिकुलर टू AC क्योंकि डायगनल्स हैं उसके, रोमबस के डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर हुआ, और DB के पैरेलल क्या है, DB के पैरेलल है PS, और AC के पैरेलल क्या है, AC के पैरेलल है RS। तो अपन बोल सकते हैं कि PC विल ऑल्सो बी, है ना, दो पैरेलल साइड्स, दो परपेंडिकुलर साइड है, अब इसके पैरेलल कोई साइड और इसके पैरेलल कोई लेंथ है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। तो DB और AC यदि आपस में परपेंडिकुलर है, ये मान लो DB है, ये RS है, तो इसके पैरेलल कोई साइड और इस लेंथ के पैरेलल कोई साइड, वो भी आपस में क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि PS इज परपेंडिकुलर टू RS, PS इज परपेंडिकुलर टू RS। In the similar fashion, we can prove this will be perpendicular to this, this will be perpendicular to this. Hence, अपना जो result अपन proof करना चाह रहे थे वो proof हो गया। Similarly, we can prove, ये अपना एक result है। Similarly, we can prove all the results. ठीक है? Question number one easy था। Next problem देखो। In a trapezium ABCD, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये है पॉइंट ई, थ्रू ई ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, ओके, प्रूव दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके। तो जो एफ है ना, वो एफ के बारे में अपन को कुछ नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है गिवन कि ये इसके पैरेलल है और इस मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो एफ बी मिड पॉइंट होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इसको प्रूफ करने का तरीका अपने पास क्या होना चाहिए, तो अपन ने बोला कि कुछ ना कुछ अपने को कंस्ट्रक्शन यहां पे करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं अपन कि इसको इससे मिला लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इससे अपन को ये पता लग रहा है कि ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है। इन दिस ट्राइंगल वी कैन से, इन दिस ट्राइंगल ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ सी ए यूजिंग विच थ्योरम। अभी जो सेकंड पोस्टुलेट अपन ने किया था ना, एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट से पास करती हुई कोई पैरेलल लाइन दूसरी साइड को वो बी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी, तो जो सेकंड पोस्टुलेट था वहां से अपन ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ सी ए लाइन यूजिंग सेकेंड कन्वर्स थ्योरम, अपन बोल सकते हैं कि कन्वर्स मिड पॉइंट
ये बात बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब मुझे पता है कि CO अपॉन OH का मिड पॉइंट है, तो अब ट्राइंगल उठा लो ये वाला, सेम वही कन्वर्स थ्योरम बोलेंगे हम वापस, कि O से पास करती हुई कोई लाइन O क्या है, मिड पॉइंट है इस साइड का, और थर्ड साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन है, देन दैट विल कट द सेकेंड लाइन CB एट मिड पॉइंट, यही थ्योरम है अपनी। तो सिमिलरली सेकेंड वाली बात भी अपन बोल सकते हैं कि हैंस F इन ट्राइंगल CAB में अपन OF के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं, सेवन क्या बात बोल सकते हैं, F will also be a मिड पॉइंट। क्लियर है, F will also be a मिड पॉइंट। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, 2 was very easy। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, E and F are midpoints, then prove that EF is parallel to AB। उल्टा, E और F दोनों midpoint है, तो अपन को ये प्रूफ करना है, वो उसके parallel होगा। अब parallel अपने को दिया हुआ नहीं है बच्चों, है ना, यहाँ पे parallel दिया हुआ नहीं है, ठीक है, E और F इसका midpoint है, बस इतना सा दिया हुआ है, तो अपने को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वही सेम सिमिलर सा कंस्ट्रक्शन जो अपन ने किया था किस पे, ट्राइंगल के केस में। अब देखो यहां पे अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ये इक्वल है, ई है, ये दोनों भी सेम है, यहां से कोई लाइन आई ई से पास करके, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, और इसको मान लो जी पे कट कर गई, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये लाइंस अपने को पैरेलल दी हुई है, ये एंगल इक्वल है बच्चों, ये एंगल इक्वल है, ये दोनों लाइंस यदि पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे कुछ कट कर रहा है, ये एंगल दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और एक साइड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यहां से एंगल, साइड एंगल रूल से अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल जी ए ई इज कॉन्कुरेंट, यहां पे कॉन्कुरेंट प्रूफ कर रहे हैं, ट्राइंगल जी ए ई इज कॉन्कुरेंट विथ, अब जी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सी, सी सी डी ई, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है एक्स एक्स, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है डी, ये हो गया। अब यहां से अपन ने क्या बोला, यहां से अपन ये बात बोल सकते हैं कि जो जी लेंथ है दैट इज इक्वल टू सी लेंथ, बोल सकते हैं ऐसा, मतलब ये दोनों लेंथ क्या आ गए अपने पास, इक्वल आ गई, ठीक है। अब प्रूफ करना है EF इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अभी तक अपने से ये बात प्रूफ नहीं हुई है, ये दोनों साइड्स यदि इक्वल है, अब समझना बात को, इस ट्राइंगल को उठाते हैं अपन, ट्राइंगल CGB, इन ट्राइंगल CGB एंगल पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ CG, है ना, पॉइंट E is midpoint of CG and
पॉइंट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, तो सी बी का मिड पॉइंट एफ है, सी जी का मिड पॉइंट ई है, तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपन बोल सकते हैं क्या, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन विल बी पैरेलल टू, है ना, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम नाउ वी कैन टेल यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी बी, सॉरी इस पूरे ट्राइंगल का लेंथ नीचे वाला क्या है जी बी, हाफ ऑफ जी बी, और इसमें एक साथ ये भी प्रूफ हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू इस जी बी को क्या लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए जी, है ना, ए बी प्लस ए जी, और ए जी की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं जी ए, अभी अपन ने प्रूफ किया था जी ए, इस वाले ट्राइंगल से देखो यहाँ से जी ए निकालो, देखें जी ए इज इक्वल टू क्या होगा सी डी होगा ना, ये दोनों लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी, जी ए इक्वल टू सी डी यूजिंग सी पी सी टी, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो यहाँ से जी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सी डी, तो आई होप ये समझ में आया होगा, दोनों एक साथ प्रूफ हो गया। तो ट्रेपेजियम में जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो होती है हाफ ऑफ दीज टू लाइंस एंड पैरेलल टू द पैरेलल लाइंस। सो समझ में आया होगा, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।